हेलो दोस्तों, आज हम इन्वर्टर फ्रिज की गैस चार्जिंग करने जा रहे हैं। 600 नंबर ये वैक्यूम हमने इससे कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये हमारे पास अभी वैक्यूम पंप नहीं है, तो हमने ये एसी के कंप्रेसर से वैक्यूम कर रहे हैं। ये देखिए, इन्वर्टर फ्रिज में वैक्यूम का खास ख्याल रखें कि वैक्यूम अगर प्रॉपर होगा तो कूलिंग में कोई मुश्किल नहीं होगी, बढ़िया कूलिंग आएगी। ये हमने कंडेंसर भी लगा दिया था और अंदर फ्रीजर लीकेज था, तो वो भी हमने दूसरा ला के लगा दिया था। ये भी आपको हम दिखाते हैं 600 नंबर गैस चार्जिंग कैसे होती है। वीडियो में हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें, ताकि आपको आसानी हो काम करने में। ये डीसी कंप्रेसर है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का। इसमें भी आपको हम दिखाते हैं कितने नंबर गैस है। 600 नंबर गैस है, R600A। इस गैस को चार्जिंग करते समय आग ना जलाएं, क्योंकि ये फायर का इस पर सिंबल है, यानी आग लग सकती है। बहुत तेज़ नहीं लगती, लेकिन आग इस गैस में लग जाती है। वैक्यूम होने वाला है, अभी हम लोग वैक्यूम को तोड़ेंगे, गैस को थोड़ा छोड़ के बाद में फ्रिज को चलाते हैं। ये हमारा वैक्यूम हो चुका है। हमने इस फ्रिज के कंप्रेसर से किया था, जो कि 1.5 टन का है, तो इससे जल्दी हो गया, क्योंकि ये फ्रिज होती 250-300 लीटर की, तो जल्दी इसका सिस्टम थोड़ा छोटा होता तो जल्दी इसने वैक्यूम कर दिया है। हमने इस प्याली में इस कंप्रेसर का थोड़ा तेल निकाला था, बिना कट किए कंप्रेसर को हमने थोड़ा फ्रिज को टेढ़ा कर दिया। जो इस चार्जिंग लाइन से हमने तेल निकाल लिया, ये चेक करने के लिए कि फ्रीजर लीक था, कहीं कंप्रेसर के अंदर पानी तो नहीं आ गया, कि हम गैस को चार्ज करें और बाद में चोकिंग की प्रॉब्लम आ जाए। तो हमें जो भी काम करना है बहुत सोच समझ के करना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में कर दिया और आपका पैसा भी ज़ाया गया और कस्टमर भी आपसे यानी छूट जाए, ऐसा नहीं करना है। पहले हमको पूरा प्रॉपर फ्रिज को चेक करना है, बाद में उसमें चार्जिंग जो भी काम करना हो सोच समझ के इसमें करना है, जब भी आपसे कस्टमर जुड़ा रहेगा। बगैर ये इसमें लगाओ, देखो वैक्यूम हो तो गया। अब हमने इस सिलेंडर में कनेक्ट कर लिया, अभी गैस को छोड़ेंगे। हमने यहाँ से ढीला करके रखा है, जब गैस वहाँ से आएगी तो यहाँ से गैस निकलेगी, बाद में हम इसको टाइट करेंगे। ठीक है, थोड़ा फ्लश कर दिया, बाद में ये टाइट कर दिया है। मुझे थोड़ा पकड़ो इसको, इस पर दिखाना, इस मीटर पे दिखाओ, वैसे ऐसे पकड़ के दिखाओ, ऐसे धीरे से छोड़ना है गैस को। ये अभी हमारी बंद फ्रिज है, अभी चलाएंगे इसको। मुझे थोड़ा सिलेंडर को पलटाओ, हल्का लिक्विड डालो, ज़्यादा लिक्विड नहीं डालना है चार्जिंग के टाइम पे। जैसे फ्रिज अगर चल रही है तो अगर लिक्विड डालेंगे तो कंप्रेसर ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अगर बिना लिक्विड के चार्जिंग करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लग सकता है, लेकिन वो सेफ तरीका होता है। अभी हमने करीब 20 पॉइंट बंद फ्रिज पर डाल दी है, अभी हम इसको चलाते हैं, अगर कुछ कम ज़्यादा होती है तो बढ़ाते हैं फिर। इस पे बंद पे आप 10 पॉइंट बस गैस डालें, ठीक है। अगर 20 पॉइंट बंद पे डालेंगे, हो सकता है कंप्रेसर आपका ना चले और लाइट ये ब्लिंक करने लगे। अगर ये कंटिन्यू जलती रहेगी
तो कंप्रेसर हमारा चल रहा है। अगर ये ब्लिंक करेगी तो कंप्रेसर हमारा नहीं चल रहा है, कंप्रेसर ख़राब है या और भी कुछ। अगर ये ब्लिंक करने लगे तो आप पहले इस पावर प्लग को 3 मिनट के निकाल के लिए छोड़ दें और दोबारा फिर 3 मिनट के बाद चलाएं, और ये अगर ब्लिंक करती है तो फिर अपने कंप्रेसर को चेक करें। और भी पार्ट्स इसमें आप चेक कर सकते हैं, कनेक्टर वगैरह ये चेक कर सकते हैं। अगर ये स्टेबल रहेगी, ऐसे ही जलती रहेगी, तो कंप्रेसर ओके है, आपका कंप्रेसर चल रहा है। अगर ये लाइट ब्लिंक करती है, कंप्रेसर अगर ख़राब होगा, ये भी ब्लिंक करेगी, ये भी करेगी। और भी जैसे पार्ट्स अंदर के ख़राब होते हैं तो ये वाली ब्लिंक करती है, लेकिन ये ख़ास करके ये कंप्रेसर के लिए ये वाली लगी हुई है जो कंप्रेसर को ऑपरेट करती है। इसको आप यहाँ पे फुल करके रखें ताकि हवा नीचे ज़्यादा जा सके। अभी हम आपको कूलिंग कॉइल की कंडीशन दिखाते हैं। ये आप देखिए, यहाँ से आइसिंग होने लगी है। अभी हमने अपनी वीडियो को कट कर दिया था, जो हमने गैस इसमें पहली बार डाली थी तो ये कैपलरी चोक थी, क्योंकि फ्रीज़र में पहले पानी भरा हुआ था तो हमने फ्रीज़र को चेंज किया था। हमने सोचा कैपलरी चल जाएगी, लेकिन वो नहीं चली। कैपलरी के अंदर भी मॉइस्चराइज़र या पानी वगैरह था, तो गैस जहाँ तक कैपलरी से पास नहीं हो पा रही थी, तो हमने इसमें नई कैपलरी लगा दी है। तो ये देखिए, इस पर आइसिंग होना स्टार्ट हो गई। ये पूरी कॉइल ये देखिए चिपकने लगा, इसमें ये चिपक रहा है। अभी हमारी ओके कंडीशन में फ्रिज आ चुकी है। ये अभी चालू हो गई है फ्रिज। अभी हमने थर्मोस्टेट अंदर डाल के रखा हुआ है। अभी ये -12 पे चल रही है। अभी अंदर का हाल देखते हैं क्या है। ये देखिए, सब इससे भाप निकल रही है। ये बर्फ जम चुका है, लेकिन अभी कायदे से जमा नहीं है। करीब 1-1.5 घंटे हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि हम और भी अच्छी वीडियो बना सकें।